मोदी जी या योगी जी कोई भी हो, वो ये समझता हो किसान चले जाएंगे डर के। अब तो हम घर को छोड़ के यहीं आ गए, जब तक फैसला नहीं हो जाएगा चाहे जान चली जाए हमारी मगर वापस नहीं हटेंगे हम। हुकूमत की सरकार ये नशीली हो गई है, नशा इनको जरूरत से ज्यादा हो गया है। और ये नशा ईवीएम इस मोदी और योगी के मजाक उतार देगा। ये नशा ईवीएम का है या किसानों का नशा है या जनता का नशा है, जनता के वोट का नशा है, ये जनता ने चढ़ाया, जनता ही अपने उतार देगी। थैंक यू। ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, बताओ मंदिर मस्जिद हमें खाने के लिए देगा? भाई मंदिर मस्जिद तो हमारा किसान है, सबसे बड़ा तो किसान है, हमारा अन्नदाता है, जिससे हमारा सारा रोजगार चलता है, मंदिर भी उससे बन रहा है और मस्जिद भी उससे बनती है। ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये हमारे प्यारे भाई हैं, हमारे जिगरी दोस्त हैं, बधाइयों के रहने वाले हैं यहाँ पे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस इंडिया और मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। तमाम किसान साथी मेरे साथ मौजूद हैं, तमाम बुज़ुर्ग भी हैं। और एक बड़ा सवाल उठता था, लोग ये कहते हैं हरियाणा पंजाब के लोग हैं इसमें तमाम और स्टेटों के लोग नहीं हैं। तो इस समय मेरे साथ हैं चाचा हैं बुलंदशहर से, क्या कहेंगे चाचा, क्या मैसेज देना चाहते हैं तमाम लोगों को? मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो मेरा नाम है टेकचंद, जिला बुलंदशहर, तहसील सिकंदराबाद, गांव जहादपुर बड़ौदा वेयर स्टेशन के पास, ठीक है। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं, मोदी जी या योगी जी कोई भी हो, वो ये समझता हो किसान चले जाएंगे डर के। अब तो हम घर को छोड़ के यहीं आ गए, जब तक फैसला नहीं हो जाएगा चाहे जान चली जाए हमारी मगर वापस नहीं हटेंगे हम। हार फार की लड़ाई करके जाएंगे चाहे हमारे जहाँ। ये लोग कुछ बदनाम करते थे कि यूपी के आदमी नहीं है, हमारा सारा जत्था यूपी का ही है, हम सारे यूपी के हैं, सब जितने भी हैं, हम पूरे मन से हम किसान यूनियन के साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जान चली जाए मगर पीछे पता नहीं हटाएंगे। तो सरकार तो कोई रिएक्शन तो दे नहीं रही आप लोगों को? सरकार रिएक्शन ले या ना ले, हम अपना रिएक्शन पूरा लेके जाएंगे यहाँ से। जब तक सरकार को नहीं झुका लेंगे हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे। और लोग भी हैं जो गुल खिलते हैं वो गुल हैं जहानों के, बॉर्डर पर जाकर मरते हैं वो बेटे हैं किसानों के, वो किसी बिजनेसमैन के बेटे नहीं, वो किसी नेता के बेटे नहीं, वो किसानों के बेटे हैं। ये अन्नदाता का आंदोलन ही नहीं, अन्ना हजारे जैसों का आंदोलन है, इसमें हजार अन्ना हजारे जैसे किसान भाई हैं। तूफान कितना भी हो हाथ उठा रहेगा, दलदल कितना भी हो पैर जमा रहेगा, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुक सकता, चलनी में पानी भी रुकेगा, मेरे किसान भाइयों का मेरे साथ हाथ लगा रखेगा। तो देखिए आप तमाम लोग हैं यहाँ पर। जी 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 जी, चेहरे से प्यार किया था मैंने शायर बन गया, चेहरे से प्यार किया था मैंने शायर बन गया, खुद से प्यार करके कायर बन गया, सोचा दो लेख इस जहां के भी लिखूं, फार्मूला वन चांसलर F1 चांसलर, सोचा दो लेख इस जहां के भी लिखूं, बस मैं यूं ही राइटर बन गया, खुद इतिहास लिखना जानता हूं, किसान भाई खुद इतिहास लिखना। मैं आपको बता दूं, मैं यहां पर जी यहां पे आपको बता दूं, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे इस समय किसान ही नहीं तमाम वो आम लोग भी इस आंदोलन में हैं। देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर। अब आप सामने देखिए माता जी हैं, ये तो जी देखिए कुछ कहना चाहते हैं जी। देखिए यहाँ पर जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, सब लोग किसान परिवार के लोग हैं, जो दिल्ली भी बनाई है वो भी किसानों ने बनाई है, जो लंदन भी बनाया वो भी किसानों ने बनाया हुआ है। और देखो इससे हम गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें मान लेनी चाहिए, और जो अन्नदाता का हक नहीं मांग रहे तो वो जनता का क्या फैसला करेंगे, ठीक है। और इससे हम लोग सारे पीड़ित हो रहे हैं कि हमें अन्नदाता के सपोर्ट में हम उतरे हैं। मैं भी 5-स्टार होटल का शेफ होके अपनी एक तो कोरोना की मार
और एक सरकार की मान ने सबको बेरोजगार कर दिया है। क्या हालत हो रखी है हमारे किसान अन्नदाता की, रोडों पे पड़े हुए अपने परिवार को छोड़ के। इससे होटल भी चलते हैं, इससे कंपनियां भी चलते हैं, इनसे ही मंत्री भी बनते हैं, इनसे ही परिवार बनता है, इनसे ही जानवर बनता है, किसान से ही सारी चीजें बनती है। तो गवर्नमेंट को देखो, इतना टाइम, लंबा टाइम हो गया 800, इस तरह से तो ये गवर्नमेंट बर्बाद करने के चक्कर में लगी हुई है पूरे हिंदुस्तान को। सब जगह तो ठेकेदारी पे दे दिया इन्होंने, आदमी को पढ़ा लिखा के बच्चों का क्या फ्यूचर बना रहे हैं ये, सब चीज ठेके पे चली गई। पढ़ाई लिखाई की बात कर लो, इन्होंने ऑनलाइन, ऑनलाइन में भी तो इनके फर्जीवाड़े वाले बैठे हुए हैं, सारे दलाल बैठे हैं। ऑनलाइन में भी स्कूलों के बच्चों की फीस में ठगा जा रहा है, बिजली हमारी फूक रही है बच्चों के खातिर, लैपटॉप हमारा खर्च हो रहा है, शिक्षाओं की, टीचरों की सैलरी तक इन लोगों ने कटवा दी है स्कूलों ने, और स्टाफ कम वैसे कर दिया है। तो बताओ ये ऑनलाइन में पढ़ाई का भी क्या फायदा मिल रहा है, तो इनको ऑनलाइन में भी फीस माफ करनी चाहिए। दो शब्द मैं भी कहना चाहूंगा। आई एम संजीव कौशिक फ्रॉम मुजफ्फरनगर। देखिए, मीडिया द्वारा बात चलाई जाती है किसान है, किसान नहीं है, किसान के बच्चे नहीं है, आउटसाइडर हैं, फंडर हैं, तो दैट इज रॉन्ग। किसानों के जो मैटर है उस पर डिस्कस करके उसको फिनिश करें। हे परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे इस सरकार को, और पूर्ण बहुमत की सरकार, ये नशीली हो गई है, नशा इनको जरूरत से ज्यादा हो गया है, और ये नशा ईवीएम इस मोदी और योगी के मजाक को उतार देगा। ये नशा ईवीएम का है या किसानों का नशा है या जनता का नशा है, जनता के वोट का नशा है, ये जनता ने चढ़ाया, जनता ही अपने उतार देगी। थैंक यू। ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, बताओ मंदिर मस्जिद हमें खाने के लिए देगा? भाई मंदिर मस्जिद तो हमारा किसान है, सबसे बड़ा तो किसान है, हमारा अन्नदाता है, जिससे हमारा सारा रोजगार चलता है। मंदिर भी उससे बनता है और मस्जिद भी उससे बनती है। ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये हमारे प्यारे भाई हैं, हमारे जिगरी दोस्त हैं, बधाइयों के रहने वाले हैं, यहाँ जिगरी दोस्त हैं हमारे, यहाँ बरेली में हैं, बरेली के लोग हैं, यहाँ पर खून बहाते हैं। ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, ये क्या करते हैं लोग? इन लोगों ने जातिवाद फैला रखा है। अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, समझो, और बदायूं, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, और नखलऊ के जहाँ लोग हैं, यहाँ पर नेता नगरी की बात करते हैं ये। अबे मंदिर मस्जिद में तो ये नेतागिरी चल रहे हैं, जातिवाद की बात करें, इस तरह से देश चलता है? अन्नदाता का फैसला होगा इस चीजों से? अरे मंदिर से हमें क्या लेना, हमें तो अन्नदाता से लेना है, जिसने अन्नदाता ने हमारे को आज इस काबिल पहुँचाया। हमारे बच्चे जो बन रहे हैं, परिवार जो पल रहा है, आईएएस बन रहा है, कमिश्नर बन रहा है, जो भी बन रहा है, वो अन्नदाता की बदौलत है, अन्नदाता से ही सब कुछ बना हुआ है, ना कि इन्होंने कुछ बनाया। हम उतारना भी जानते हैं, इनको चढ़ाना भी जानते हैं। जब हम अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो धरने पे बैठ रहे हैं, तो ये पानी की बौछार करवा रहे हैं, तो लाठिया डंडे पड़वा रहे। क्या किसी ने अपना अधिकार मांग लिया तो उस पर डंडे बरसाएंगे? ये तो दलाल हैं, पूरे दलालों के दलाल बैठे हुए हैं यहाँ पर। आदमी पढ़ा के लाते हैं बीजेपी वालों को, बीजेपी वाले, और यहाँ के नौ कहते हैं ये सही है जी, हमारे लिए कोई धरना पड़ना नहीं है, हमारे लिए सही है ये जो बनाया प्रस्ताव। अलीगढ़ में एक सरकारी चीनी मिले जी। देखिए, वर्तमान सरकार से कहीं कहीं नाराजगी है तमाम लोगों की। जी जी, क्या कहना चाहिए? जिस समय इन्होंने वोट लेने होते हैं उस समय तो ये हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, और जिस समय जीत जाते हैं तो ये लोग हमें दुकारते हैं, पीछे भगाते हैं, चलो चलो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आज जनता इस रोड पे बैठी हुई है, इनकी बदौलत ही बैठी हुई है। अगर ये शुरू से आज एक महीने से ऊपर हो गए, उस समय से अगर ये मान जाते तो ये जनता अपने किसान भाई लोग अपने परिवार को छोड़ के यहाँ रोड पे ना बैठे होते।